फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आई मैं चंदना। तो मैं आज एक नया टॉपिक पे आप लोग से बात करने आई हूँ। तो वो टॉपिक क्या है, आप लोग तो टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। डाउरी डाउरी सिस्टम जो हमारे समाज में इतनी धीरे धीरे फैल रही है, इतने कीड़े की तरह की सबके ये कहानी एक्चुअली सारे घर की हो गई है। सारे घर में ये सब सिचुएशन झेलना पड़ता है, हर लड़की को ऐसा सिचुएशन झेलना पड़ता है। इसी टॉपिक में थोड़ा सा आप लोग से मैं बात करना चाहती हूँ। जो मेरा इस बातों से या फिर मेरे कुछ टिप्स से हो सके किसी का भला हो जाए, मैं इसलिए आप लोग से बात करने आई हूँ। जो मैं एक्सपीरियंस है मेरा, मैं बस वही शेयर करूंगी आप लोग से। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ शेयर करें और कमेंट करके बताएं मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। और मेरे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पहला नोटिफिकेशन आपको ज़रूर आए। पहले पिता अपनी बेटी को कोई भी सामान शादी के बाद खुशी से देते थे, इसीलिए क्योंकि उन लोग को ज़रूरत पूरा हो जाए, उन लोग का हेल्प हो जाए। समाज में ये दहेज प्रथा के जोर इतनी बढ़ गई है, इतनी इसकी मजबूती हो गई है, जो बेटियों लोग को पेट में ही मार दिया जाता है। क्योंकि बेटियों के जन्म हुई तो उनके शादी में, उनके दान दहेज में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, इसलिए बेटियों को हम लोग कुप्रथा की वजह से पेट में ही मार दिया जाता है। ऐसे चली आई प्रथा है, ये प्रथा को रोकने के लिए वर्तमान समय में बहुत प्रयास किया, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। ये इतनी बढ़ चुकी है कि हर घर में हर एक लड़की को ये सहना पड़ रहा और पीड़ित होती जा रही है हर लड़कियां। इसका मतलब है शादी के बाद लड़कियां अपने ससुराल में जब जाती हैं तब उनके भर भर के सामान दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि लड़की को दे रहे हैं, मतलब लड़की को नहीं, उन लोग को दिया जाता है जो पहले से सोच के रखते हैं कि मेरा बेटा का शादी होगी तो मैं वो सामान मैं लूँगी, पर नाम लड़कियां का दिया जाता है ये कुप्रथा में। दहेज के वजह से लड़कियों को शारीरिक और मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है, वो लोग सालों से सहती आती हैं, क्योंकि ये दहेज एक कुप्रथा हमारे समाज में ऐसे फैल चुका है, ऐसे घरों घरों में यही सिचुएशन सबको झेलना पड़ता है, इसलिए वो लोग हमेशा चुप रही हैं और ये वो लोग झेलती रहती है हमेशा। दहेज कुप्रथा की वजह से लड़कियों लोग को हत्या कर दिया जाता है, क्योंकि बस वो लोग कम दहेज लाती हैं। भारत में इस दहेज प्रथा के लिए एक कानून भी बनाया गया है। तो इस बात की है कि कानून और सरकार बनने के बाद भी हमारे समाज में ये दहेज प्रथा की जोर और मजबूत होती जा रही है और दीमक की तरह हर घर में फैलती जा रही है। हमारे समाज में दहेज प्रथा के विरुद्ध लोगों में जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए हमारे समाज में, हमारे भारत में जो कानून बनाए गए हैं उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दहेज ले रहे हैं उन्हें इस समाज से बहिष्कार करना चाहिए। दहेज प्रथा ख़त्म करनी है तो वर और कन्या को खुद अपना फैसला खुद लेनी चाहिए और जीवन साथी का फैसला का चुनाव खुद करना चाहिए। परिवार के हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की फैसले की बात होती है। से दहेज प्रथा आपको हटाना है तो पहले लड़कियों लोग को शिक्षित करें, वो लोग अच्छे से अच्छे शिक्षा अर्पण करेंगी तो वो ज़रूर वो पैर पे अपने खड़े होंगे। और ये दहेज बोल के जो कुप्रथा समाज में ऐसे दिमाग की तरह फैलती जा रही है वो धीरे धीरे घटती नज़र आएगी आप लोग को। से आपको ये दहेज वाली प्रथा हटानी है तो इससे जुड़ी हुई जितनी बातें हैं, जितने सरकार ने कानून बनाए हैं, इस कानून को, इस नियम को आप लोग को भी मानना होगा और सरकार को भी इस कठोर से कठोर इसकी सज़ा होनी चाहिए और इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है सरकार को भी और हम लोग को भी। लोगों में सकारात्मक सोच के संदेश जाएगी, लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं और ज़्यादा पढ़ाने का अर्थ ये है कि वो लोग जितना पढ़ना चाहें आप उनको पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाएं, उनको सपोर्ट करें। ऐसे करने से क्या होगा, समाज में शादी के बाद लड़कियों को जो पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता होती है वो आर्थिक निर्भरता उन लोग को नहीं झेलनी पड़ेगी। जब पढ़ लिख के खुद कमाने लगेंगे, खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई की वजह से उनको सही राह दिखने लगेंगी, उनको ज़िंदगी में आगे क्या करना है उनको सपोर्ट भी मिलते रहेगा।
लिए क्या होगा, प्रतियोगिता कम हो जाएगी। समाज में ये कुप्रथा, ये दहेज, ये सब हटाना है तो सरकार को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। कठोर से कठोर नियम बनाया जाए जिससे ये जो दहेज ले रहे हैं, जो दहेज लेकर पीड़ित कर रहे हैं लड़कियों को, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। शादी समारोह पर खर्चे की सीमा पर नियंत्रित ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा खर्चा ना हो पाए। जो गरीब हैं वो ज़्यादा खर्चा कर भी नहीं पाते हैं, लेकिन प्रेशर पे आके वो बेटी के खुशी और ससुराल वाले के खुशी के चक्कर में अपने सिचुएशन खराब कर बैठते हैं। वस्तु है ये समझने के जो मानसिकता है हमारी समाज में, वहाँ से निकलना होगा, क्योंकि लड़की कोई वस्तु नहीं, कोई सामान नहीं, वो भी एक आपकी तरह जीती जागती स्वरूप होती है, उनमें भी आपके जैसे फीलिंग्स होते हैं। प्लीज़ उन लोग को समझे और ऐसे दहेज की वजह से उन लोग को पीड़ित ना किया जाए। ऐसी मानसिकता रखने वाले इंसानों को हमारे समाज में बहुत अंधेरे में लेके चली जाती है। यहाँ से बाहर निकलिए और खुश रहिए और अच्छे से रहिए। ये छोटी मोटी दहेज सामान ये ज़िंदगी के कोई हिस्सा नहीं होती है, ये एक बस वस्तु है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। बोल के किसी इंसान और किसी की लड़की पे अत्याचार ना करें। गाइस, आज का टॉपिक आप लोग को कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज मेरा ये टॉपिक आप लोग को कैसा लग रहा है, या मैं आप लोग से बात कर रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो भी होता है मैं आप लोग से सब कुछ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बोलिएगा, और जो जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी है कि ना जाए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए। शेयर करने से हो सके किसी का अच्छा हो जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत सेंसिटिव है हमारे लिए। और बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अब मैं क्या कहूँ आप लोग को, बस मेरे पास जो अनुभव था और जो समाज में हो रहे, ये दीमक की तरह ये दहेज वाली प्रथा जो चलती आ रही है सदियों से, इसे हम लोग हो सके थोड़ा बहुत बात करके ख़त्म कर सके। बस मैं यही अनुभव आप लोग को बताना चाहती थी। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ। बाय बाय।